खंड स्तरीय जूनियर और प्राथमिक वर्ग की खेल प्रतियोगिता में अमन बने चैंपियन। पुरस्कार वितरण के साथ हुआ खेल प्रतियोगिता का समापन। राजकीय इंटर कॉलेज नारायणबगड़ प्रांगण में उच्च प्राथमिक और प्राथमिक वर्ग की 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर संपन्न हुआ, जिसमें जूनियर हाई स्कूल मिंग के अमन द्वारा 200 मीटर 400 मीटर 600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर ओवरऑल चैंपियनशिप हासिल की। खंड स्तरीय 3 दिवसीय उच्च प्राथमिक और प्राथमिक वर्ग के खेलकूद प्रतियोगिताओं के अंतिम दिन छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया, जिसमें उच्च प्राथमिक वर्ग के 100 मीटर दौड़ में मयंक यूपीएस असेड और आरुषि यूपीएस कपोली प्रथम रही। वहीं 200 मीटर दौड़ में अमन यूपीएस मिंग और निशा यूपीएस देवीधार किमोली ने प्रथम, 400 मीटर दौड़ में अमन यूपीएस मिंग और नैना यूपीएस कपोली ने प्रथम स्थान हासिल किया। लंबी कूद में अभिषेक यूपीएस देवीधार और सुहानी यूपीएस चोपटा प्रथम रही। ऊंची कूद में अमन यूपीएस मिंग और कविता यूपीएस हारमनी प्रथम रही। गोला फेंक में कैलाश यूपीएस आंगतोनी और प्रिया यूपीएस खैनोली ने प्रथम। चक्का फेंक में अभिषेक यूपीएस देवीधार किमोली और नैना यूपीएस कपोली प्रथम रही। लोक नृत्य और समूह गान दोनों में संकुल हंसकोटी प्रथम स्थान पर रहा, जबकि अंग्रेजी सुलेख प्रतियोगिता में कुमारी रेणु यूपीएस हारमनी प्रथम, हिंदी सुलेख में कुमारी ममता यूपीएस मानूर प्रथम रही। अंताक्षरी में संकुल नारायण बगर प्रथम रहा। प्राथमिक वर्ग की प्रतियोगिताओं में 50 मीटर दौड़ में अखिलेश भगवती प्रथम, 100 मीटर दौड़ में प्रमोद कुमार पीएस कोठली और शीतल पीएस डांगतोली प्रथम रहे। 200 मीटर में चंद्र प्रकाश जीएमपीएस नारायण बगर और हर्षिता पीएस भगवती प्रथम रही। लंबी कूद में सर्वेश पीएस किमोली नैना पीएस जिजोनी प्रथम रही। लोक नृत्य में नारायण बगर संकुल प्रथम स्थान पर रहा और हंसकोटी द्वितीय स्थान पर। अंग्रेजी सुलेख प्रतियोगिता में दिव्यांशु पीएस कनवाल गांव प्रथम स्थान पर रहा व प्रतीक चोपता द्वितीय स्थान पर रहे। हिंदी सुलेख प्रतियोगिता में दीपिका नारायण बगर प्रथम, अर्चना बुंगा नैनी द्वितीय स्थान पर रही। अंताक्षरी में संकुल असीर सिमली प्रथम और नारायण बगर द्वितीय स्थान पर रहा। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि दलीप नेगी ने सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की बात कही। वहीं विशिष्ट अतिथि जिला सहकारी बैंक प्रबंधक मोहित मारवाड़ी, उमेश सिंह झिंकवाड़, राजेश सती, प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह नेगी, दुर्गा प्रसाद मलिठा, श्री कृष्ण नैनवाल, प्रशांत नेगी, पुनीत सती, जगमोहन सिनवाल, मनोज सिलोड़ी, अजय मेहरा, राजकुमार गुप्ता, मोहन सती, यमुना प्रसाद गौड़, दर्शन गिरी, सतीश सिलोड़ी सहित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थी। वहीं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन ब्लॉक क्रीड़ा समन्वयक महिपाल सिंह मेहरा और ब्लॉक क्रीड़ा अध्यक्ष निर्मल नेगी की देखरेख में संपन्न हुआ, जबकि मंच का संचालन परमानंद सती द्वारा किया गया। नारायणबगड़ की जो मिनी क्रीड़ा एथलेटिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता कराई गई, उसमें 240 के लगभग छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और सभी क्रीडा जो निर्णय थे उन्होंने अपना निर्विघ्न रूप से अपना निर्णय दिया और जो बच्चे हैं उनका बिल्कुल फ्रीम जो बच्चे हमारे वो छट के आए हैं और हम सभी का ये प्रयास है कि जो हमारे विकासखंड के बच्चे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराएं और साथ में सभी जो शिक्षक हैं उनके द्वारा और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा पूरे इसमें मॉनिटरिंग की गई कि ताकि किसी प्रकार का विवाद ना हो। तो जो हमारी क्रीड़ा प्रतियोगिता वो निर्विघ्न रूप से संपादित की गई और बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग किया और अपना योगदान दिया। जो हमारा लोक संस्कृति का ये कार्यक्रम था इसमें लोक जो गीत है और लोक नृत्य इसमें था, जो ये पहले से पिछले साल भी ये हुआ था और इस समय जो बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया और जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको दिखाने का प्रयास किया है सभी को कि किस प्रकार से उत्तराखंड में जो लोक नृत्य चातुरी और झूमेले जो लगते हैं किस प्रकार से
में जाते थे उसमें अपने प्रतिभा जो है प्रत्येक संकुलों ने 8 संकुलों के प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभा किया और अपने जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम प्रथम स्थान पर आए हैं और हम कबड्डी आए हैं, खो खो में भी फर्स्ट आए हैं, सब चीज़ में फर्स्ट आए हैं। हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ और मैं 600, 400, 200 में प्रथम स्थान प्राप्त करा है। मैं प्रदेश में भी खेला था, इस टाइम मैं नेशनल खेलना चाहता हूँ और मैं अपने शिक्षक श्री चौहान सर का धन्यवाद।